स्टूडेंट्स आज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, जिसमें से पहला क्वेश्चन है इफ एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू वन देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स टू पावर 2000 प्लस वन अपॉन एक्स टू पावर 2000। जब पावर बहुत ज़्यादा हो तो समझ जाइए किसी सिंपलेस्ट वे से वो सॉल्व होने वाला है। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन में जो गिवन कंडीशन है उसको लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं एलसीएम लेकर, इधर भेज दो आप ये इक्वेशन बना। अब इसके रूट्स निकालते हैं श्रीधराचार्य रूल से, माइनस बी, तो ये माइनस पहले से है तो ये प्लस हो गया, प्लस माइनस बी स्क्वायर में फोर इसी करोगी ये वैल्यू आएगी, इसको इंटरचेंज करोगी ये आ जाएगी। अगर ध्यान से देखो तो ओमेगा की वैल्यू आपको पहले से हमने बताई है, जो ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर है उसकी वैल्यू आप जानते हो। क्या जानते हो आप? जानते हो कि ओमेगा की वैल्यू होती है माइनस वन प्लस रूट थ्री आई बाई टू, एंड ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होती है माइनस वन माइनस रूट थ्री आई बाई टू। ओके, तो अब देखो यहाँ पे अगर इससे आप मैच करते हो, यहाँ पे ये पॉजिटिव है और ये पूरा निगेटिव है, तो अगर माइनस कॉमन लेकर उधर भेज दो तो ये वाला आंसर आ जाएगा, अगर इसमें से माइनस कॉमन ले लो तो ये वाला आंसर आ जाएगा। ओके, तो इस तरीके से आप कह सकते हो कि जो एक्स की वैल्यू होगी वो माइनस ओमेगा स्क्वायर और माइनस ओमेगा होगी। ओके, अब हम लोग वैल्यू पुट करेंगे और देखेंगे। अब दो केस लेंगे, हमको एक्स का आंसर निकालना है, तो एक्स की दो वैल्यू है, तो पहले फर्स्ट केस जब एक्स की वैल्यू माइनस ओमेगा हो, या तो एक्स सेकेंड वैल्यू इफ एक्स की वैल्यू माइनस ओमेगा स्क्वायर हो, एक एक वैल्यू हम लोग रखते हैं। पहले हम करते हैं क्या, एक्स की वैल्यू माइनस ओमेगा स्क्वायर रखते हैं, तो रख दो इस क्वेश्चन में। इवन पावर है तो माइनस का कोई रोल नहीं रहा, इसको सिंप्लीफाई आप कर सकते हो, आएगा ओमेगा और इसका आएगा ओमेगा, वन अपॉन ओमेगा में ओमेगा स्क्वायर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर ओमेगा स्क्वायर होगा, नीचे ओमेगा क्यूब होगा, ओमेगा क्यूब की वैल्यू वन ही होती है तो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है माइनस वन, मतलब अगर एक्स की वैल्यू ये आएगी तो उसमें इसका आंसर आएगा माइनस वन। सिमिलरली सेकेंड केस लेते हैं, एक्स की वैल्यू माइनस ओमेगा लेते हैं, अगर आप माइनस ओमेगा लेते हो तो अब माइनस ओमेगा यहाँ दोनों स्टेज पे रख दो, ये इवन पावर है नो प्रॉब्लम है। अब सॉल्व कर लेते हैं इसको, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू वन अपन ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू ओमेगा हो जाएगी, ये पहले से आंसर इज माइनस, दैट मीन्स इन बोथ केस आंसर इज माइनस वन, दैट मीन्स द रिक्वायर्ड आंसर इज माइनस वन। ओके, तो इस तरीके से आप कह सकते हो कि इस आंसर थ्रू ये सोल्यूशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। आपसे कह रहा है इवेलुएट माइनस टू प्लस टू रूट माइनस टू प्लस टू माइनस रूट माइनस टू प्लस टू से। अब जब भी इस तरीके के इनफाइनाइट टर्म तक हो जाए तो आपको ये देखना है कि फर्स्ट टर्म कैसा है और उस फर्स्ट टर्म जैसा रिपीटेशन कहाँ से, तो मे बी एज्यूम दैट दिस इज एक्स, अगर ये x है तो अब देखो ये माइनस टू है और प्लस टू रूट, रूट के अंदर माइनस टू, तो देखो रूट के अंदर माइनस टू अगली बार कब आएगा, यहाँ पे आएगा, फिर कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, और इसी तरीके से आगे कंटिन्यू होगा। तो अब देखो ये तो x की वैल्यू है, अगर आप इतनी वैल्यू ढक भी लेते हो ये फिर से वैसे ही लग रहा है कि रूट के अंदर माइनस टू है। देखो ये वाली स्टेज और ये वाली सेम दिखनी चाहिए आपको, देखो माइनस टू और आगे बढ़ता हुआ जा रहा है, माइनस टू आगे बढ़ता हुआ, तो ये इसी का पीरियड बन रहा है, रिपीटेशन हो रहा है। फिर देखो ये इस तरीके से करते हुए चले जाएंगे, तो अब देखो इस पूरी वैल्यू को हम लोग एक्स से जूम कर ले रहे हैं, ये स्क्वायरिंग बोथ साइड किया और इसको उधर ले गया, सॉल्व किया श्रीधराचार्य रूल से, आंसर आ गया ये, इसका मतलब ये टू कॉमन ले लोगे तो ये आंसर आ जाएगा। ओके, तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, तो एक्स की वैल्यू आएगी वन प्लस माइनस आई। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। इफ ओमेगा भी एन इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, सो दैट ओमेगा इज द इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, मीन्स आप जानते हो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू जो है उसके, आपसे कह रहा है इसकी वैल्यू जीरो होगी, ये प्रूव करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं और राइट तक पहुँचते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर किया हमने, हमने इस वैल्यू को कंसिडर कर लिया।
अब देखिए सिंपलीफाई करना है तो आपको पहले इसको 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर में चेंज करना है। तो आप जानते हो ये 2 ओमेगा है, तो इसको क्या लिख सकते हो, ओमेगा और ओमेगा, और ये 1 प्लस ओमेगा क्या हो जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। देखो इस वाली वैल्यू को यहाँ देखो, माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये ओमेगा तो ओमेगा। सिमिलरली यहाँ पे 2 लिखा है तो 1 प्लस 1, तो अब देखो 1 प्लस ओमेगा क्या होगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये देखो माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये जैसे था वैसे रहेगा। अब हमने सेम फॉर्म चीज़ों को एक साथ लाने की कोशिश की है। अब देखो इसमें से ओमेगा कॉमन लोगे इसको पहले, तो 1 माइनस ओमेगा हो जाएगा, ये जैसे था वैसे ही लिख दिया, ये जैसे था वैसे ही। अब आप क्या करो, इनमें कॉमन ले लो, 1 प्लस ओमेगा कॉमन लोगे तो 1 माइनस ओमेगा बचेगा माइनस 1। अब उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करो, एलसीएम लेकर सॉल्व करते हैं। कैंसिल किया ये आया यहाँ, अब इसको सॉल्व करते हैं, ये एलसीएम लेते हैं तो इधर ओमेगा भी कैंसिल, माइनस कैंसिल तो प्लस वाला बचा, यहाँ पे ये कैंसिल ओमेगा बचा, तो इसमें मल्टीप्लाई किया तो ओमेगा स्क्वायर हुआ। अब ये 1 प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर अगर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है तो इन तीनों का सम कितना होता है, 0 होता है, तो आंसर 0 होगा। ऊपर 0 है दैट मीन्स आंसर 0, दैट मीन्स उस पूरे का आंसर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, यही आपको प्रूफ भी करना है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आपसे कह रहा है फाइंड द क्यूब रूट ऑफ फॉलोइंग, आपको क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग निकालना है। तो क्यूब रूट निकालते हैं, क्यूब रूट मीन्स क्यूब रूट ऑफ 8 मीन्स ये निकालना है। तो अब ये आंसर कुछ आएगा, मे बी अज्यूम दैट दिस इज एक्स, सॉल्व करते हैं क्यूब को सेट करते हैं, ये सॉल्व किया। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला लगा दिया हमने, क्या आएगा, ए माइनस बी, ए स्क्वायर ए बी बी स्क्वायर, इससे तो आंसर 2 आ जाएगा। और इस वाले को सॉल्व कर लेंगे, ये किया सॉल्व, ये 16 में से 4 जाएंगे माइनस 12, अब 12 से 4 बाहर आएगा, रूट 3 अंदर आएगा, माइनस आई रूट 3 का वैल्यू हो जाएगा आई, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये वैल्यू आ ओके। तो आप कह सकते हो कि एक्स की वैल्यू का आंसर आएगा, एक तो 2 आ गया और दो आंसर यहाँ से आ गए, तो फाइनल आंसर एक्स के 3 आंसर आएंगे, 2 इसमें से माइनस आई प्लस रूट 3 आई और एक बार माइनस आई रूट 3 आई, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब इसी आंसर को हम एक दूसरे वे से दिलाते हैं जो आपने पहले से पढ़ रखा है उसके अकॉर्डिंग। तो देखिएगा किसी का क्यूब रूट निकालना हो तो आप लोग फर्स्ट वाले का मेंशन करते हुए कर सकते हो। देखिए सेकंड में करते हैं, देखो तो एक्स की वैल्यू ये है, अब 8 से 2 बाहर आ जाएगा, यहाँ समझ लो 1, तो 1 का क्यूब रूट, अब 1 का क्यूब रूट, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी मतलब इस वैल्यू का आंसर क्या आएगा, इस वैल्यू का आंसर आएगा 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, तो इसमें एक बार 1 लिख दो, एक बार ओमेगा स्क्वायर लिख दो, तो 1 लिखोगे तो आएगा 2, ओमेगा लिखोगे तो 2 इंटू ओमेगा 2 ओमेगा आएगा, ओमेगा स्क्वायर लिखोगे तो 2 इंटू ओमेगा स्क्वायर 2 ओमेगा स्क्वायर आएगा। अब देखिए आपको पता है कि ओमेगा की वैल्यू होती है -1 प्लस रूट 3 i/2, आप देख सकते हो यहाँ पे, यहाँ पे इसको इधर ले जाओ तो 2 ओमेगा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1 प्लस रूट 3 i, 2 ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होगी -i -√3 i, देख लीजिए ये वैल्यू आई आपकी, इसको लिख दो, इसके वैल्यू पुट कर दोगे तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। आगे का काम करते हैं, एक क्वेश्चन और था माइनस वाला, फिर से वही पुरानी कहानी, -2 बाहर ले लो क्योंकि इवन ऑर्डर तो है नहीं, इवन होता तो पॉजिटिव हो जाता, ऑड है तो माइनस बाहर आएगा ही आएगा। 1/3, 1/3 का मतलब ये 3 वैल्यू होती है। अब इन तीनों वैल्यू को एक एक करके सॉल्व कर लो, एक बार 1 रख दोगे तो -2 माइनस ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की बात कर लेते हैं हम लोग। अब इसकी वैल्यू आप रख सकते हो, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, जैसे ही पुट करोगे तो आपको फाइनल आंसर आ जाएगा ओके। तो अब यहाँ पे आप 2 ओमेगा है तो ये आ जाएगा, 2 ओमेगा स्क्वायर है तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी, बट माइनस के साथ है तो इसलिए क्या आ जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इस तरीके से आपका ये फाइनल आंसर हो जाएगा। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बन सकते थे हमने आपको बताए हैं, अब आगे आगे के क्वेश्चनों में कंटिन्यू हम लोग करने वाले हैं ओके।
थैंक यू।